Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the some problem on Laplace transform. So चलिए start करते हैं आज का video. So question है 0 to infinite e to the power minus st minus e to the power minus 3t upon t dt. तो ये कुछ उस form का लग रहा है जैसा ft by t जैसा ft upon t. और यहाँ पे ft क्या है, ft is e to the power minus t and minus 3t. क्लियर? तो ये हमारा एक थ्योरम पे है, जो थ्योरम हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था. और वो थ्योरम कुछ ऐसा है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t जो डिवीज़न बाय t था, वो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में है या सातवें लेक्चर में होगा. तो ये था हमारा s टू इन्फाइनाइट एफ एक्स और डी एक्स. ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं. इसी थ्योरम से ये सॉल्व होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज कर रहे हैं कि एफ टी यहाँ पे है e to the power minus t minus e to the power minus 3t. सो टेकिंग लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी माइनस थ्री टी. ये क्या मिलेगा हमें, 1/(s+1). इसका लाप्लास होता है s+1 और माइनस इसका लाप्लास हो जाएगा s+3. ठीक है, तो यहाँ से हम ला रहे हैं इसको. जैसे ई टू द पावर एटी होता है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर एटी इज 1/(s-a). ठीक है, तो जब प्लस होता है तो माइनस होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है. तो उसी तरीके से अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये +1 है. ठीक है, तो ये हमें मिल गया एफ टी. और ये एक तरह से क्या है, एफ एस. हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी ही एफ एस होता है. तो जो ये पूरी वैल्यू मिली है ये क्या है, हमारा एफ एस है. अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो इसको हम अगर एफ एक्स बनाना चाह रहे हैं तो एस को हम क्या करेंगे, बस चेंज कर लेंगे एक्स से दोनों साइड. तो हमें मिल जाएगा बड़े आराम से एफ एक्स इक्वल टू 1/(x+1) - 1/(x+3). तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपली हम केवल एस को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक्स से. कोई थ्योरम कोई फंडा नहीं लगा रहे, सिर्फ एस को एक्स से रिप्लेस किए. तो इसको अगर हम अब इस एफ एक्स को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इसको एफ टी मान लिया और एफ टी के हिसाब से लाप्लास निकाल लिया और ये है. फिर इसको हमने एस को एक्स से रिप्लेस कर दिया. अब इसके बाद हम ये टर्म करेंगे, तो वो क्या है, एस टू इन्फाइनाइट एफ एक्स है हमारा 1/(x+1) - 1/(x+3) और ये है डी एक्स. क्लियर? तो ये क्या है, एस टू इन्फाइनाइट, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं. तो हमें मिलेगा log ऑफ x+1 - log x+3 ऐसा. और लिमिट आएगा भाई s टू इन्फाइनाइट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ e x+1/(x+3) और होल लिमिट है हमारा s टू इन्फाइनाइट. ठीक है, तो अब ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारा बराबर है किसके, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी. सो दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी. एंड एफ टी का मतलब क्या है, हमारा एफ टी यहाँ कुछ इस तरीके का है. तो हम इसको लिख सकते हैं e to the power minus t - e to the power minus 3t upon t. क्लियर है, हमने एफ टी माना था इस टर्म को.
तो अगर ये एफ टी है तो ये एफ टी अपॉन टी दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अब अगर हम लाप्लास को ब्रेक करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इस तरह से आएगा ये 0 to infinite e टू द पावर -80, और ये पूरा आएगा एफ टी अपॉन टी जैसा। तो एफ टी अपॉन टी मीन्स क्या, यहाँ पे क्या है, e टू द पावर -t, e टू द पावर -3t अपॉन टी एंड डी टी एंड दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अगर हम लिमिट रख दें तो क्या होगा, लॉग इनफाइनाइट, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। जब हम एस रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो माइनस में होगा तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई एक्स प्लस एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू माइनस के साथ होगी तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एस के जगह पे कुछ नहीं है, एक तरह से ज़ीरो, एक तरह से हमें क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। तो अगर हम एस के जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर इन्फाइनाइट। हमें ये एल एच एस कैसे मिलेगा, या एक तरह से ये टर्म कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ एस के जगह ज़ीरो पुट कर दें तो ई माइनस 0 1 हो जाएगा, तो हमें यही मिलेगा ई टू द पावर -t ई टू द पावर -3t अपॉन टी डी टी इक्वल टू लॉग, दिस इज 3/1, सो दिस इज लॉग 3, सो दिस इज द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -t कॉस स्क्वायर टी। सो वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ e to the power minus t cos square t, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा जो हमने शुरू के लेक्चर्स में बताया था, कुछ e to the power at और ft, दिस इज ft, तो ये हमें देता है f ऑफ s माइनस है, सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है ये एफ टी जैसा है और ये ई टू द पावर ए टी के जैसा, जहाँ ए की वैल्यू क्या है, -1। तो सबसे पहले हम लाप्लास निकालेंगे कॉस स्क्वायर टी का, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। सो लेट एफ टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, सो कॉस स्क्वायर टी का डायरेक्ट लाप्लास हम नहीं निकाल सकते, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे पहले कॉस टू टी वाले फार्मूले से। तो कॉस टू टी वाला फार्मूला क्या होता है, 2 cos² t - 1, सो कॉस स्क्वायर टी इज प्लस एंड अपॉन 2, सो दिस इज 1 cos 2t/2। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर टी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 cos 2t/2। अब इसका लाप्लास हम निकाल सकते हैं, तो इसका क्या होगा, सो ये होगा लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इक्वल टू 1/2, और 1 का लाप्लास क्या होगा, 1/s, देन 1/2 एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। सो दिस इज द लाप्लास ऑफ कॉस 2t। ये तो हम चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते थे यहाँ पे, इसका जब हम लाप्लास लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हाफ लाप्लास ऑफ 1 एंड देन हाफ लाप्लास ऑफ cos 2t, ठीक है।
तो वन का लाप्लास वन बाई एस प्लस वन बाई टू लाप्लास ऑफ कॉस 2t, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, और ये अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये देगा एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस, यहाँ पे एस होगा स्क्वायर नहीं होगा, सो दिस इज एस स्क्वायर, एस और एस स्क्वायर प्लस फोर, क्लियर यहाँ और इधर। तो ये मिलेगा हमें हाफ टू एस स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो आसान है। अब ये हमें जो वैल्यू दे रहा है वो किसका है, एफ एस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये है एफ एस की वैल्यू। तो एफ एस हमें यहाँ से चाहें तो हम दो निकाल सकते थे, अगर हम यहाँ से टू बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस फोर, सो ये हो गया हमारा एफ एस। अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ एस माइनस ए, ठीक है। तो हम करते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी एंड कॉस स्क्वायर टी, ये आएगा हमारा उसी तरीके से एफ ऑफ एस माइनस ए के स्थान पे क्या है, यहाँ ए है, यहाँ पे ए की जगह क्या है माइनस वन, सो ये हो जाएगा एस माइनस वन, क्लियर। ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है माइनस वन, सो एफ ऑफ एस माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ चूंकि माइनस ए था तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, एस प्लस वन का होल स्क्वायर एंड देन प्लस टू और अपॉन में एस प्लस वन, और ये हो जाएगा एस प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस फोर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन प्लस, तो ये थ्री हो जाएगा, फिर ये टू एस ऐसा, और अपॉन में एस प्लस वन, एंड ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।